सवाल दिया है, तीन अंकों वाली कितनी संख्या है? सात से विभाज्य है। चलिए सबसे पहले बताइए, तीन अंकों, पहले हम एपी तैयार करते हैं, तीन अंकों वाली कितनी संख्या सात से विभाज्य है? तीन अंक सबसे पहले छोटी संख्या और तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे। अब देखिए 100 है, प्रारंभ कर लेते हैं, 100 में हम सात से भाग लगे, क्योंकि सात से भाग लगने वाला कौन संख्या होगा? सात एक, सात एक कितना बचेगा? तीन, सात चौकी 28, नहीं कितना बच गया? दोनों, ये दोनों को माइनस कर लेना है, कितना बचेगा? सात में दो गया तो पाँच, जो शेष फल बचे इन दोनों को माइनस कर दीजिए, पाँच बचा, यही पाँच इसमें जोड़ेंगे तो हो गया 105। अब जांच करके देख लीजिए 105 में क्या सात से भाग लगता है? सात एक सात है, तीन सात पचे 35, समझे? और सात इसमें जो है ना, इससे पहले जो सात से, तो दो अंक की संख्या बन जाएगी, हमें तीन अंक की संख्या चाहिए, तो शुरुआती होगी कहाँ से? 105 से, 105 इसी में अब सात सात जोड़ते जाइए, 105 में सात जोड़िए, 100 कितना होगा? 112 हो गया, फिर इसमें सात जोड़िए, समझे कि नहीं? सात जोड़ेंगे तो 12, 112, 7, 119 डॉट 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 कहाँ तक? अब 999, समझे कि नहीं? इनको आगे देखिए, 999 है, इसमें हम सात से पहले भाग लगाते हैं, कितना आ गया? सात एक, सात एक सात दो नौ है ना, इधर बता 29, सात चौके, सात चौके 28, ये कितना बच गया? एक 19 बचा ना, अब देखिए फिर सात सात दो नहीं 14, कितना बच गया? पाँच। यहाँ जो शेष अंतिम, देखो जहाँ पर शेष बच जाए, यहाँ पर जो शेष बच जाए वही शेष माइनस कर दीजिए, शेष पाँच बचा ना, बस अंतिम पद निकालने के लिए वही माइनस कर दीजिए, पाँच माइनस कर दीजिए तो कितना होगा? 994। तो 994 क्या हो गया? ये आ गया हमारा एपी, ये क्या हो गया हमारा एपी। तो कह रहे तीन अंकों वाली कितनी संख्या सात से विभाज्य है, तो एक एपी तैयार हो गया, वो एपी क्या बन गया बताइए? वो एपी हम लोगों का तैयार हो गया, ये वाला हम लोगों का एपी तैयार हो गया, एपी बराबर हो गया 105, 112, 119 डॉट 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 994, 999 नहीं, अंतिम पद 999 नहीं होगा, क्योंकि 999 सात से भाग नहीं लगता है, हमें सात से भाग लगने वाला चाहिए, तो सात से भाग लगने के लिए हमें क्या किया? सात से भाग लग, देखिए जो शेषफल बचा बस उसी को शेषफल को क्या किए? माइनस कर दिए, जो 994 बना, 994 ध्यान देना, 994 में सात से भाग लग जाता, सात एक सात दो नौ इधर बताइए 29 सही है, अब बताइए सात चौके बोलते हैं चलिए उधर सात दुनी कितना दिखे 14 लग रहा है ना भाग, तो अंतिम हम देखते हैं कि ए बराबर 105 होगा बताओ, ए और डी बराबर कितना है? सब में सात या सात है ना, सब में सात से, सब में सात से भाग लगता है ना, और वैसे भी देखिए सात अंतराल है सब में, तो सात डी बराबर सात होगा है ना, ए 105 और डी हुआ 100, डी बराबर सात हुआ, उसके बाद ये जो 194 दिया है वो क्या दिया है? ए एन दिया है, 900 कितना? 94, वी नो दैट ए एन इक्वल टू, ए एन इक्वल टू कितना होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 994 है ना, 994। अब देखिए ए है तो क्या लिखेंगे? ए और प्लस ए का मान रखिए, ए का मान कितना है? 100, एन का मान मालूम नहीं है, डी का मान, डी का मान सात है बराबर 900 कितना? 94 ठीक है। अब देखिए इसको हल कर दीजिए, 105 प्लस सात गुना एन बताओ माइनस सात है कहाँ? 994 इधर देखो, अब 107 है ना, देखो 105 है इधर सात है, दोनों घटेगा तो कितना बचेगा? दोनों 12 है हाँ, 105 में 105 में सात माइनस किए कितना बचेगा? बिल्कुल सही 98, उसके बाद बराबर 994 है, 994। अब देखिए सा 7n इक्वल टू इधर कितना है? 994, ये 98 उधर चल जाएगा कितना बचेगा? माइनस 98। अब बताइए 7n इक्वल टू कितना हो गया? 994 में 98 जाएगा, 896 सही है कि नहीं? 896। अब बताइए 7n हमको n चाहिए ना, n बराबर कितना होगा? n बराबर होगा 896 बटा कितना? सात है ना, भाग लगा दीजिए, सात है कहाँ? सात एक सात हो गया, सात दुनी 14 और सात अटी 56, 128 हो गया ना, हमें मालूम हो गया अब एन बराबर 128 आंसर हो गया, यानी 128 को है सात से भाग लगने वाला है ना, सात से भाग लगने वाला है ना, तीन अंकों वाली संख्या 128 है। कितनी संख्या कितना से? छः से विभाज्य, यही कर रहा है, तीन अंकों वाली कितनी संख्या छः से विभाज्य है ना, इस तरह का अक्सर सवाल दो अंक स्तरीय है ना पूछा जाता है। देखिए समझिए, सबसे पहले तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ लिख देंगे और तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिख देंगे। यहाँ देखिए 100 में हम भाग लगा देखेंगे, छः से भाग लगने वाला देखेंगे कौन होगा, छः कहाँ छः आएगा? चार जीरो छः पंच छके छः सते बेसिन होता है, तो छः छके कितना आता है? 36, कितना आ गया? चार आ जाना, ये दोनों बोले थे माइनस कर देनी है, और छः और चार को माइनस करेंगे कितना बचेगा? दो,
कि जो दो है ना यही दो एक सौ, एक सौ में जोड़ा जाएगा तो कितना बनेगा, एक सौ दो बनेगा, बोलो एक सौ दो बनेगा। तो तीन अंक की सबसे छोटकी संख्या जो छह से भाग लगने वाली है तो वो हमें प्राप्त हो गया, वो कितना, एक सौ दो। सबसे छोटी संख्या यही, ये एक सौ नहीं होगा, यानी एक सौ के आगे एक सौ दो ही होगा, समझे नहीं। और एक सौ में अगर छह घटाते हैं तो दो अंक की संख्या बन जाती है, हमें प्रथम पद निकल गया। इसी में अब छह जोड़िए कितना होगा, एक सौ आठ, फिर इसमें छह जोड़िए डॉट 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 है, इसमें छह से भाग लगाते हैं, छह कहाँ, छह घटा तीन उनचालीस, छः है ना, छः आगे छत्तीस, फिर आ गया तीन, अब कितना आ गया उनतालीस, फिर छः आगे छत्तीस, यही ना होगा, कितना बच गया तीन। जो शेष बच जाए, हम बोले थे जो शेष बच जाए यही शेष को माइनस कर दीजिए, बोले थे ना नौ सौ छियानवे, तीन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हाँ नौ सौ छियानवे। आप देखिए ए बराबर कितना हो गया एक सौ दो, डी कितना होगा है ना, सब में देखो छः छः अंतर है कि नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है छः छः अंतर है, तो डी बराबर कितना हो गया छः। हमें बताइए एन जो है अंतिमा पद कितना दिया है, नौ सौ छियानवे दिया है कि नहीं, नौ सौ छियानवे दिया है। अब हमें, हम जानते हैं एन बराबर सूत्र बताइए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी इक्वल टू नौ सौ कितना छियानवे, ए का मान बताइए कितना है एक सौ दो, सब का मान रखिए, एन तो निकालना है ना, डी मालूम है छः, नौ सौ छियानवे बनाइए इनको, एक सौ दो प्लस छः गुना एन, छः एन इधर देखिए छः कहाँ छः, इधर कितना हो गया नौ सौ छियानवे, बोलो सही है। आप बताइए सिक्स एन इधरों को माइनस कीजिए, एक सौ दो में अगर छः जाएगा तो कितना बचेगा छियानवे, बिल्कुल सही, बराबर कितना हुआ नौ सौ छियानवे। आप देखिए सिक्स एन, सिक्स एन इक्वल टू कितना आ गया, ये छियानवे उधर चल जाएगा, नौ सौ छियानवे माइनस कितना हो गया इधर छियानवे, जब घटेगा तो कितना बचेगा सिक्स एन, सिक्स एन इक्वल टू कितना आ गया नौ सौ सीधा आ गया, हमें क्या चाहिए एन चाहिए ना, तो नौ सौ बटा कितना आ गया छः, भाग लगाएंगे कितना होगा एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर डेढ़ सौ ना हुआ, पंद्रह छः के नब्बे, हाँ डेढ़ सौ, एन बराबर कितना हो गया डेढ़, समझा कि नहीं, डेढ़ सौ है, यानी तीन अंकों वाली कितनी संख्या छह से विभाजित है, आंसर होगा डेढ़ सौ है।